नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ईकॉम टेक का तड़का। और आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर मतलब दो दिन हो चुके हैं इस खबर को। अमेज़ॉन में एक लड़की ने 70 लैक्स का चूना लगाया। किस हिसाब से चूना लगाया, कैसे लगाया, ये सारी चीज़ें मैं पहले आपको बताता हूँ। देखिए, वो बेंगलोर से है, ठीक है। अब बेंगलोर में काफ़ी सारे टेक लोग रहते हैं जो बहुत टेकी है और बहुत होशियार समझते हैं अपने आप को। मैं इन तरह के लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग फ्रॉड करते हैं ऑनलाइन। दूसरे लोग प्लीज़ बुरा मत लगाइएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस औरत ने क्या किया कि करीबन 104 ऑर्डर्स डाले, फेक ऑर्डर्स, ठीक है, जहाँ पे उसने महंगे महंगे DSLR कैमराज और मोबाइल फ़ोन्स और बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें मंगवाई और क्लेम किए झूठे कि ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, डिफेक्टिव है। अलग अलग यूज़र आईडी क्रिएट किए, अलग अलग लोकेशन से किए, ठीक है, और फिर रिटर्न किए। तो रिटर्न में उन्होंने दूसरे प्रोडक्ट्स भेज दिए। अमेज़ॉन FBA से था ऑब्वियसली, तो FBA में तो कोई चेक करता ही नहीं है, ठीक है। FBA देखिए, अमेज़ॉन की सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, अपनी दुकान, ठीक है। तो सब यही सोचते हैं कि ये हमारी दुकान है, चलो हम जो चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अमेज़ॉन को 104 ऑर्डर के बाद पता चला कि ये ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं, राइट। पहले ऑर्डर में क्यों नहीं पता चल जाता कि ये फ्रॉड है, दूसरे ऑर्डर में क्यों नहीं चलता, दसवें ऑर्डर में क्यों नहीं चलता। आप सोचिए, 104 ऑर्डर के बाद अमेज़ॉन को पता चलता है तो उनकी सिस्टम में कितना फ्लॉ है, ठीक है, मतलब कितना लूप होल्स है उनके सिस्टम में। 104 ऑर्डर्स आने के बाद उनको पता चला, तो आप समझ लीजिए कि अगर कोई भी कस्टमर इंटेंशनली 5-10 ऑर्डर भी ऐसे कर लेता है साल में, ठीक है, तो हमारे जैसे सेलर का क्या हालत होगा। हो ही रहा है ऐसा, डेफिनेटली हो रहा है। बहुत सारे बायर्स जो हैं वो ऐसा फेक ऑर्डर्स और कर रहे हैं, छोटे छोटे कर रहे हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। 2-4 कहीं वहाँ कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। और वो लोग भी अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं और बहुत हंस रहे होंगे और मतलब ऐश कर रहे होंगे या फिर पार्टी बना रहे होंगे कि हाँ, उन्होंने बेवकूफ़ बनाया अमेज़ॉन को, ठीक है। लेकिन ये अमेज़ॉन को चूना नहीं लगा है, और अल्टीमेटली देखने जाए तो सेलर्स को चूना लगा है जिसके प्रोडक्ट्स थे उनको, क्योंकि वो प्रोडक्ट जब भी FBA में वापस जाते हैं तब FBA अमेज़ॉन 100% रीइंबर्समेंट नहीं करता है सेलर्स को, वो उनका थोड़ा ही परसेंटेज रीइंबर्समेंट करता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो सेलर को ही लॉस होता है, बट सब क्या करते हैं, अमेज़ॉन को चूना लगा, अमेज़ॉन बेसिकली अमेज़ॉन को नहीं लगा, सेलर को चूना लगा। यार अब कौन समझा इन लोगों को, अमेज़ॉन को। ऐसी कोई सिस्टम ही नहीं है इंडिया में जो हो सकती है चाहे तो, ठीक है। क्योंकि देखिए, सबकी मेंटालिटी क्या है, यहाँ पे स्मूथ बिजनेस नहीं करना है, वॉल्यूम वाला बिजनेस करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करना है, बिलियन डॉलर्स में ट्रांजैक्शन करना है। तो ये सारी कंपनीज भूल जा रही हैं कि बिलियन डॉलर्स ट्रांजैक्शन के अचीवमेंट में ये लोग ये क्वालिटी चेक ही नहीं कर रहे हैं कस्टमर्स की, बायर्स की क्वालिटी चेक ही नहीं कर रहे हैं। सेलर्स अगर फेक प्रोडक्ट भेजता है तो अकाउंट ब्लॉक, राइट, इंस्टेंटली अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं सेलर्स का, और प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं तो भी ब्लॉक कर देते हैं, राइट। तो बायर्स का क्या, बायर्स कुछ भी कर सकते हैं मतलब। और 104 ऑर्डर आने के बाद आप केस कर रहे हो उसके ऊपर, 70 लाख रुपीस ऑलरेडी उसने ले लिए, केस करेंगे 2 साल जेल में रहेंगे, उसके बाद क्या। तो 2 साल में भी कोई 70 लाख रुपये नहीं अर्न कर लेता है यार, प्लीज़ डू समथिंग अबाउट इट। अमेज़ॉन और दूसरे मार्केट प्लेसेस भी, लास्ट ईयर स्नैपडील में नहीं फ्लिपकार्ट में भी ऐसे ही हुआ था, जहाँ पे 2 टेकी लोगों ने ऐसे ही चूना लगाया, ठीक है, उनके ऊपर भी केस हुआ। तो वो लोग निकल जाएंगे यार, उनको कोई लाइफ पूरी मतलब ज़िंदगी भर जेल नहीं होने वाली, कुछ सालों की जेल होगी तो उसके बाद तो वो लोग निकल जाएंगे। तो उनके उतने सालों में भी कोई 50-60 लाख रुपये नहीं अर्न कर लेता है। अब सोचिए, कोई अगर ये मान के चलेगा कि ये चलो 2 साल जेल में रहेंगे, 2 साल में हम कहाँ ऐसे भी 60 लाख रुपये अर्न करने वाले हैं, तो 2 साल रुपए में ये एक साल में हम 60-70 लाख बना लेते हैं और 2 साल जेल में रहेंगे, वापस आएंगे फिर आराम करेंगे, राइट। कोई भी ऐसा सोच सकता है और कोई भी ऐसा कर सकता है, ठीक है। एक ही चीज़ है जो उन लोगों को रोक सकती है, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। अगर उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर उनको डर है किसी का भी, तो वो लोग नहीं करेंगे। अगर उनको किसी का डर नहीं है, किससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो लोग बिंदास करेंगे, ठीक है, और करते ही रहेंगे और हम भी मरते ही रहेंगे। शॉपक्लूज़ को यहाँ पे 50 करोड़ रुपए का फंडिंग मिला है, ठीक है। अब ये भी कहने में आ रहा है कि शॉपक्लूज़ एक ऐसी कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी, जो प्रॉफिटेबल है, ठीक है, प्रॉफिटेबल है, तो भी उन्होंने 50 करोड़ का फंडिंग लिया
उनके डेली ऑपरेशंस के एक्सपेंसेस को निकालने के लिए, जो भी ऑफिस के एक्सपेंसेस है उनको निकालने के लिए उनको ये फंडिंग लेना पड़ा। ठीक है, अगर प्रॉफिटेबल है तो फंडिंग लेने की ज़रूरत क्या है? अगर ज़रूरत है तो प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, क्या हो क्या रहा है, ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे पता है कि आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रॉफिटेबल है तो पैसे की क्या ज़रूरत है यार, खुद के पैसे यूज़ करो। ओके, आपको पता है अमेज़ॉन जो है वो प्राइम जो लॉन्च किया उन्होंने, प्राइम सर्विसेज, उन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है और उनके डे बाय डे प्राइम मेंबर्स भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ जितना भी ऑनलाइन सेलिंग हो रहा है अमेज़ॉन में वो सारे प्राइम कस्टमर्स कर रहे हैं। प्राइम कस्टमर्स का एडिशनल बेनिफिट क्या है, देखिए, पहला उनको प्राइम टीवी मिलता है मोबाइल ऐप में, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं अनलिमिटेड मूवीज़ वगैरह वगैरह। ठीक है, दूसरा बेनिफिट ये है कि उनको अर्ली एक्सेस टू लाइटनिंग डील्स और ऑफर्स मिलता है। ठीक है, तीसरा बेनिफिट जो है प्राइम बायर्स को वो है कि उनको फ्री शिपिंग मिलती है। ठीक है, कोई भी छोटा एक प्रोडक्ट होगा 100 रुपये का भी होगा तो उनको 40 या 50 रुपीज़ जो लगते हैं एडिशनली वो नहीं लगेंगे। ठीक है, वैसे दूसरे सेलर्स के लिए, बायर्स के लिए क्या होता है कि 500 रुपये का शॉपिंग करो तो उनको फ्री शिपिंग मिलती है FBA में, बट प्राइम कस्टमर्स के लिए ऐसा नहीं है। कोई भी एक प्रोडक्ट लेना है तो भी उनको फ्री शिपिंग मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे कुछ बेनिफिट्स हैं प्राइम कस्टमर्स के। मैं भी सोच ही रहा था लूँ क्योंकि उसको आगे भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे प्राइम के। ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए कह रहा हूँ, वैसे मेरे को खुद को पसंद नहीं है अमेज़न की जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं, मैं बहुत ही हेट करता हूँ उनकी पॉलिसीज़ एज अ सेलर। ठीक है, बट एज अ बायर उनकी पॉलिसी अच्छी है और इसलिए लोग जो हैं वो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं ऐसी पॉलिसीज़ का। मुझे पता है कि ऐसे लोग जो हैं वो, मैं जस्ट प्रे करता हूँ कि बस वो सारे पकड़े जाए और उनको कुछ हो, मतलब कोई एक्शन लिया जाए। पता नहीं, ये सपना ही रह जाएगा और पता नहीं कब होगा ऐसा सब कुछ। अमेज़ॉन सेल की बात करते हैं, अमेज़ॉन सेल में मुझे पता है बहुत सारे लोगों के ऑर्डर्स नहीं आए होंगे, वैसे हमारे अच्छे खासे ऑर्डर्स आए, ठीक ठाक कह सकते हैं, जितने लिस्टिंग किए हैं उस हिसाब से अच्छे ऑर्डर्स हैं। आई होप कि आपको भी आए हो। ठीक है, आपको टारगेट करना था होम एंड किचन कैटेगरी में, मोबाइल एक्सेसरीज, कंप्यूटर पेरिफेरल्स, क्लोथिंग में ऑब्वियसली रहा होगा जो हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में करीबन दो एक दिन दो दिन में 2 दिन की बात कर रहा हूँ मैं, 2 दिन में करीबन 1 लाख का ऑर्डर आया अमेज़ॉन से। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जितनी लिस्टिंग्स है उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, अब हम ड्रॉप शिप भी कर रहे हैं तो हम सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं अमेज़ॉन में। ठीक है, अगर ड्रॉप शिप का रिस्पॉन्स अच्छा है तो हम नहीं बढ़ाएंगे अमेज़ॉन में लिस्टिंग। रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है ड्रॉप शिप में तो ही हम लिस्टिंग करेंगे। जो ऑर्डर्स नहीं आ रहे ड्रॉप शिप में हमारे पास, वो ऑर्डर्स हम अमेज़ॉन में, वो प्रोडक्ट्स हम अमेज़ॉन में लिस्टिंग करेंगे। ईबे में हम लोगों ने ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दिया है सेलिंग, तो हमारे पास कमीशन जो है वो 2% पे है। ठीक है, फ्लैट 2%, लिस्टिंग अनलिमिटेड है। ठीक है, काफ़ी सारे बेनिफिट्स है तो भी हम ईबे में अभी एज ऑफ नाउ सेलिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग उसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, जिस दिन मुझे लगा कि नहीं आप लोग बेनिफिट नहीं ले रहे हैं तो फिर हम उसमें हाथ डालेंगे और उसमें भी सेलिंग करना शुरू करेंगे, बट जब तक आप लोग कर रहे हैं, आपका अच्छा चल रहा है, तब तक हम हाथ उसमें नहीं डालेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात है, आपको फॉक्स स्टार स्टूडियोज़ तो पता होगा, फॉक्स स्टार स्टूडियोज़ क्या है। ठीक है, मूवीज़ बनाते हैं वो लोग, हॉलीवुड की भी और यहाँ पे बॉलीवुड की भी मूवीज़ बनाते हैं। तो उन्होंने हमें अप्रोच किया था, यस्टरडे वो आए थे यहीं पे। ठीक है, तो उन्होंने अप्रोच किया था कि हम इन्वेस्ट करें उनकी अगली मूवीज़ में। ठीक है, बैनर या फिर कोई शॉर्ट फिल्म बनाएं। ठीक है, उनका एक बजट भी दिया उन्होंने हमको कि हम ऐसा हमारी कंपनी को प्रोमोट करने के लिए उनके अपकमिंग मूवीज़ जो हैं उसमें हम अपना नाम जोड़ें। ठीक है, उसमें करीबन खर्चा है, अगर बहुत बड़ी कंपनी है अमेज़ॉन है या फिर फ्लिपकार्ट है तो 50-60 लाख रुपए लग जाते हैं, बट हमारी जैसी कंपनीज जो हैं छोटी छोटी कंपनीज उनके लिए उतना नहीं लगेगा, 15 से 20 लाख के आसपास में वो हो जाता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसी कंपनी है और आप प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं ऐसे चैनल्स को भी अप्रोच करके। अगर आप उनकी मूवीज़ में अपना फ्रंट में एज अ पार्टनर या फिर ऐसा कुछ लिखवा के अगर आपकी ब्रांड की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल हम सोच रहे हैं करना है कि नहीं करना है, क्या बेनिफिट होगा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा बिजनेस मॉडल जो है वो अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, हम ड्रॉप शिपिंग की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो हमारा फोकस है कि हम ड्रॉप शिपिंग कंपनी को एक बड़ी कंपनी बनाएं। ठीक है, तो हम भी इन्वेस्टर अब ढूंढ रहे हैं कि एक इन्वेस्टर ऐसा मिले जो जो साथ में बैठ के हम इंडिया की एक अच्छी और रिलायबल और वन ऑफ द बेस्ट
लार्जेस्ट मुझे कुछ भी नहीं बनाना है, ठीक है, लार्जेस्ट नहीं बनाना है, क्योंकि लार्जेस्ट और बिगेस्ट के रेस में हम सर्विस देना भूल जाते हैं और काफ़ी सारे लोग मिसयूज़ भी करते हैं। हमें बेस्ट बनाना है, ठीक है, बेस्ट में बहुत मज़ा है, लार्जेस्ट में और बिगेस्ट में आप देख रहे हैं कि सब लोग आए और रेस में चलते गए और फिर निकल भी गए, राइट। तो बेस्ट बनाए, अभी आपने देखा नहीं होगा कि कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट के टैग लाइन में बेस्ट लिखा हो, ठीक है, सब जगह लार्जेस्ट बिगेस्ट मोस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं, सबसे ज़्यादा कलेक्शन है प्रोडक्ट का, सब जगह हम प्रोडक्ट डिलीवरी करते हैं, सब कुछ मिल जाएगा हमारे पास, बट कोई ऐसा ऐसा छाती ठोक के नहीं कह सकता कि हम बेस्ट हैं, हमारे पास बेस्ट कस्टमर सर्विस है, हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास बेस्ट सेलर्स हैं और हमारे पास बेस्ट बायर्स भी हैं, कोई ऐसा है, कोई भी नहीं है, ठीक है। मैं टारगेट करता हूँ कि हमारी ये कंपनी हो जो बेस्ट ड्रॉप शिपिंग कंपनी हो, ठीक है, लार्जेस्ट का कोई लेना देना नहीं है, बेस्ट शॉप ड्रॉप शिपिंग कंपनी होगी, ऑब्वियसली ऑर्डर्स आएंगे और सेलर्स भी खुश रहेंगे और बायर्स भी खुश रहेंगे। तो ऐसी एक कंपनी इस्टेब्लिश करने की मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो अब आगे धीरे धीरे क्या प्रोसेस करना है उसके बारे में भी सोचूंगा, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग मॉडल जो है इंडिया में चल सकता है, बट रिस्क वही है कि आप प्रोडक्ट्स देखते नहीं हैं, आपको प्रोडक्ट्स के बारे में पता नहीं है, तो हम विश्वास करें कैसे, किस लोगों पे विश्वास करना है, ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट्स पे विश्वास करना है, बिल्स मिलेंगे कि नहीं, ये सारे बहुत झमेले होते हैं। तो इसीलिए अब फोकस धीरे धीरे ड्रॉप शिपिंग में आ रहा है और जैसे ही आगे कोई प्रोग्रेस होगा आप लोगों को भी मैं बताता रहूँगा। सो दैट्स अबाउट इट दोस्तों, आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, अब मिलेंगे मंडे को और किसी और टॉपिक के साथ, किसी और डिस्कशन के साथ। दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।